हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रोहित गवर्नमेंट जॉब क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं जीके का। दोस्तों मेरे पास काफ़ी कम समय मिल रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो 1000 का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं जीके का, वो मैं अब पूरा करने जा रहा हूँ। इसका मैं फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन बटन का ऑप्शन है दोस्तों, उसको भी दबाइए घंटी टाइप से, ताकि आपको नया वीडियो का हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, जानकारी मिलते रहेगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, आप मैं बहुत सारा वीडियो डालने वाला हूँ जीके का। दोस्तों आपने देख रहा है कि ग्रुप डी का और लोको पायलट का जो है फॉर्म अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन कर लीजिए। जो लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग जीके का क्वेश्चन, ये दोस्तों जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई 200 से 400 क्वेश्चन कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों आपको क्लास 10th और 12th का देखना है वीडियो, तो मेरा प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। मैं क्वेश्चन और आंसर जल्द जल्द पढ़ता हूँ दोस्तों, ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। 26 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये लोग दोस्तों आप लोग ये शायद आंसर जानते होंगे, शायद संतोष यादव। ये बहुत सारे दोस्त ये आंसर जानते हैं, और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है झारखंड एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, इंडियन रिजर्व बटालियन का, 21 तारीख का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय को। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मूल शंकर। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दयानंद सरस्वती। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वास्को डिगामा भारत कब आया? दोस्तों इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी। और दोस्तों एक क्वेश्चन भी कभी कोई पूछ लिया जाता है कि भारत का खोज किसने किया था, तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा वास्को डिगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोस्तों, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा जयपुर। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुरु नानक को। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वैसाखी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोह पुरुष जो दोस्तों किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सरदार पटेल को। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है दोस्तों? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि है दोस्तों उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विजय घाट। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है महाभारत की रचयिता कौन है? आप लोग तो इसका आंसर जानते होंगे दोस्तों, महर्षि वेद व्यास इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी?
तो ये आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, बहुत दोस्तों को पता होगा, चाणक्य जिसको कौटिल्य कहा जाता है दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, जिसके बारे में अभी पढ़े, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि के बारे में पढ़े अभी, क्या नाम था? तो विजय घाट। तो देखिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो देखिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। तो इसका अस्थाई अध्यक्ष में दोस्तों देखिए हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा, ठीक है, ये अस्थाई अध्यक्ष है। और अस्थाई अध्यक्ष का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ वो सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिया जाता है हमेशा दोस्तों, उसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान का अस्थाई अध्यक्ष जहाँ पूछेगा, यहाँ पे आपका अस्थाई अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और मैं वीडियो इस तरह का बहुत लाता रहूँगा दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मैं 1000 का सीरीज जो स्टार्ट किया हूँ उसको मैं जल्द पूरा करूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 8 मई को। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है दोस्तों? ठीक है, सूर्योदय का देश जो है वो कौन सा नाम से प्रसिद्ध है? तो वो दोस्तों आपका जापान होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तिथि को दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो ये होगा 8 मार्च, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, और ये आपका राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को, दोनों का डेट सेम है, मंथ में डिफरेंस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? ये आप सभी जानते होंगे, गोवा इसका आंसर है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? तो ये आप लोग जानते होंगे, केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दोस्तों, इससे पहले दोस्तों भारत का राजधानी कोलकाता था, ठीक है, जो बाद में आपका दिल्ली किया गया है 1911 में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे चमकीली ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका शुक्र होगा आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप लोग ये सभी जानते होंगे, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बाघ होगा। 52 तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, अब नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी मैं लेके हाजिर हूँगा, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नया वीडियोज़ का हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।